हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। संडे का दिन काफ़ी अच्छा दिन रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी गिनी पिग्स की रिकॉर्डिंग की है और वो बच्चे दे रही थी। तीन बच्चे दे ही चुकी थी कि यहाँ से भी आवाज़ें आने लगें, और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि शायद ये बच्चे दे चुकी है और अचानक से बच्चों की आवाज़ आने लगी। सुबह सुबह का टाइम है और ये वीडियो अपलोड होने में भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि मैं जब चेक कर रहा था गिनी पिग की अपलोडिंग के टाइम तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था। लेकिन अभी चलिए ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है मुझसे। तो यहाँ पे गिनी पिग और हैमस्टर दोनों ही बच्चे दे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, संडे का काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला दिन है आज के लिए। और पहले तो मैं बाहर बाहर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हैमस्टर्स का कई बार होता है वो जगह जगह पे अपने बच्चों को डिलीवर करते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ तो नहीं है, खैर यहाँ पे भी नहीं है, तो इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखिए, अभी इस वक्त ये दोनों के दोनों इस पटरी के नीचे हैं। ये जो मैंने लकड़ की एक बालकनी टाइप की बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे हैं दोनों। बच्चे तो नहीं दिख रहे, लेकिन आवाज़ें तो आ रही थी। और मैं अभी तुरंत ही गिनी पिग की वीडियो स्टॉप करके और यहाँ पर आया, और ये देखिए देखिए आपने देखा, ये देखिए यहाँ पर बच्चे हैं यहाँ पर, वाह। और पीछे मेल देखिए कितने आराम से सो रहा है, अब उसकी भी नींद टूट गई है। तो अभी पहले यहाँ इस लकड़ी को हटाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे हम बच्चों को देख सकते हैं। ये एक और दो बच्चे हैं, तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। और ये क्योंकि यहाँ खोद रही है, तो शायद इसने बच्चों को छुपाया हो। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्या पता ज़्यादा बच्चे दिए हों और स्ट्रेस में आके खा लिया हो, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकती है, क्योंकि खाने पीने की कोई भी कमी नहीं रखी थी। तो अभी चलिए पहले घर में देखते हैं, सीढ़ियों से चलते हैं। और यहाँ देखिए घर में तो नहीं है, तो एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ये देखिए, मैं थोड़ी देर वेट किया मैंने, और दोनों मेल फीमेल खुद ब खुद घर में चले गए अपने, और फिर थोड़ी देर बाद में भागते हुए आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चों को अगर हम देखें तो हमें साफ साफ पता लगता है कि इनका जो पैटर्न है, शायद एक अपनी माँ की तरह हो और एक ब्लैक में हो, क्योंकि ये वाइट वाले की ब्रीड नहीं है। ये पहले दूसरे वाले के साथ थी फीमेल्स दूसरे झुंड में, तो वहाँ से ब्रीड होके आई है। फिलहाल हमें अभी पता लगाने के लिए कि इनका क्या कलर और क्या पैटर्न होगा, हमें 10-15 दिन के लिए रुकना होगा। ये पूरी प्रोसेस चूहों के बच्चे जैसी ही होती है। जैसे चूहों के बच्चों के बाल आने में, लगभग आँख खुलने में टोटल 10-15 दिन लगते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हैमस्टर्स का भी होता है। और अभी तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, तो उम्मीद ये है कि इनको अच्छे से पाले पोसे और बड़ा करे। 10 दिन में ही ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, और खैर यहाँ पे 4 दिन बाद ही हमें इन बच्चों का कलर पैटर्न सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन पूरे अच्छे तरीके से खेलते कूदते हैमस्टर्स हमें टोटल 15 दिन बाद ही दिखेंगे। तो 15 दिन तक की एक अपडेट वीडियो मैं टोटल एकदम कम्बाइंड वीडियो बनाऊँगा और उसको मैं डालूँगा, तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं हैमस्टर्स के पेट पे ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये बताता है कि हैमस्टर्स ने यहाँ पे फीड कर लिया इन बच्चों ने, और अभी ये आराम के मूड में हैं। तो अभी इन लोगों को आराम करने देते हैं। और ये देखिए मेल फीमेल वापस नीचे उतर कर आ गए हैं। तो यहाँ केज के सेटअप में आप लोग देख सकते हैं, ये 3-4 दिन के अंदर ही इन लोगों ने किया है। तो यहाँ ये जो सबस्ट्रेट था, जो कि कोकोपीट थी, ये काफ़ी इन लोगों ने छान दिए इसको, और सब कुछ छन के बिल्कुल नीचे चले गई थी ट्रे पर। और अभी उसको मैं वापस इसमें डालूंगा, बेडिंग करूंगा। और यहाँ पे देखिए फीमेल बच्चों को इकट्ठा कर रही है, दूध पिला रही है। और खाने पीने की तो यहाँ खैर कोई कमी नहीं है, फूड, ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल और ग्रेन्स, पानी सब कुछ प्रॉपर बना हुआ है। पानी को तो मैं दिन में 2-3 बार चेंज करता ही हूँ। तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कमी थोड़ी सी बस ये बेडिंग की आ गई है। तो ये सब कुछ इन लोगों ने खोदा है, खोदने की वजह से ये क्या हुआ है कि ट्रे में नीचे चला गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो बस उठा के मुझे दोबारा ऊपर डालना है, और फिर उसके बाद ये जो भी आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नमी है, थोड़ी सी कहीं कहीं सूखा हुआ है, ये बस उठा के ऐसे मुझे बेडिंग कर देनी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेचुरल है, तो ये ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। तो बस इसको डालेंगे, और बेडिंग की वीडियो कभी किसी दिन और बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी करेंगे वीडियो को एंड, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा हैमस्टर्स पे, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और फिर 4 दिन बाद इन नन्हे बच्चों को बाहर खेलते हुए देखेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।